स्नान घाट को पार करने के बाद ही हम लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मगर ऐसा क्यों, बताते हैं। ये है पशुपतिनाथ मंदिर। अगर आपको पशुपतिनाथ मंदिर घूमने जाना है तो आपको विराटनगर से फ्लाइट पकड़ के काठमांडू जाना पड़ेगा, जो विराटनगर से सिर्फ 40 मिनट का रास्ता है। अगर आपकी फ्लाइट लेट ना हो तो चले। काठमांडू पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलकर सिर्फ 5 से 6 मिनट का पैदल सफर करने के बाद आप पहुंच जाइएगा पशुपतिनाथ मंदिर। अगर आपको पैदल चलना पसंद ना हो तो आप टैक्सी या तो बस भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मंदिर में एंट्री करने से पहले ही मंदिर के रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां कलाकृति वगैरह बिकता हुआ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये मूर्तियां कलाकृति अगर पसंद हो तो आप लोग इसे खरीद भी सकते हैं। फिर आगे हम लोग पहुंच जाते हैं शमशान घाट। ये वही शमशान घाट है जहां मंदिर में प्रवेश करने से पहले इसको पार करना पड़ता है। इस शमशान घाट पे आपको हमेशा डेड बॉडी जलता हुआ दिख जाएगा। यहां पे हमेशा अंतिम संस्कार होता रहता है। शमशान घाट पार करने के बाद आप पहुंच जाइएगा मंदिर के क्षेत्र में, जो एक विशाल क्षेत्र में मंदिर फैला हुआ है। यहाँ काठमांडू में मंदिर की बनावट और भारत में मंदिर की बनावट दोनों में काफी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये नजारा मंदिर के गर्भगृह के बाहर का है। जल्दी चल, मंदिर बंद होने का टाइम। अंदर फोन या तो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, इसीलिए कोई भी फोटोज या तो वीडियो नहीं है। हाँ, लेकिन गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ अलग अलग देश से लोग आया हुआ है। यहाँ आपको अंग्रेज भी देखने को मिलेगा। अब मंदिर से बाहर चलते हैं और आपको बताते हैं आखिर क्यों मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस शमशान घाट को पार करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये सिर्फ एक रास्ता है जो शमशान घाट और नदी के ऊपर पुल बनाया गया है। इसी पुल की सहायता से इस रास्ते से होते हुए हम लोगों को मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो मंदिर में प्रवेश करने से पहले शमशान घाट होके गुजरना पड़ता है। ये बस एक रास्ता है, एक माध्यम है मंदिर में प्रवेश करने के लिए। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो आप लोगों को थैंक यू। अरे वो देख बैल वहाँ, देखो नंदी महाराज, नंदी महाराज।